हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आई एम बीके शर्मा फ्रॉम आइकॉन स्कूल जीजीसी। वेलकम टू आइकॉन ऑनलाइन क्लासेस, सोशल साइंस क्लासेस बाय बीके सर, एसएस नोट्स ऑफ क्लास 8, लेसन 5, व्हेन पीपल रेवल 1857 एंड आफ्टर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट वाज द डिमांड ऑफ रानी लक्ष्मी ऑफ झांसी दैट वाज रिफ्यूज्ड बाय द ब्रिटिश। व्हाट वाज द डिमांड ऑफ रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी, झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई की मांग क्या थी जिसे बाद में रिफ्यूज कर दिया गया, इनकार कर दिया गया, मना कर दिया गया ब्रिटिश लोगों के द्वारा। टू एक्सेप्ट हर एडॉप्टेड सन टू सक्सीड द थ्रोन ऑफ द किंग आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। टू एक्सेप्ट, स्वीकार करना हर एडॉप्टेड सन को, उसके गोद लिए बच्चे को सिंहासन पर राजा के रूप में, आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, उसके पति की मृत्यु के बाद, कि उसके पति की मृत्यु के बाद उसके गोद लिए बच्चे को सिंहासन का राजा मान लिया जाए। यह रानी लक्ष्मीबाई की मांग थी जिसे अंग्रेजों ने मना कर दिया। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट ऑब्जेक्शन डिड द सिपाही हैव टू द न्यू कार्ट्रेज दैट दे वर आस्क्ड टू यूज। सिपाहियों का क्या क्या ऑब्जेक्शन थे, क्या क्या विरोध थे न्यू कार्ट्रेज को लेकर के, जो उनसे यूज करने के लिए कहा गया। द कार्ट्रेज वर ग्रीस्ड विद द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स। जो कार्ट्रेज हैं उन पे ग्रीस लगाई गई विद द फैट ऑफ काउज, गाय की चर्बी, एंड पिग्स सुअर की चर्बी की ग्रीस लगाई गई। द कार्ट्रेज वर ग्रीस्ड, कार्टेज पर ग्रीस लगाई गई विद द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स की ग्रीस लगाई गई, यानी कि उसकी चर्बी से उनको कार्टेज को बनाया गया। द सिपाही हैड टू यूज देयर माउथ टू रिमूव द कवरिंग ऑफ द कार्टेज। जो सिपाही हैं उन्हें अपने मुंह को यूज करना पड़ता था उस कार्टेज की कवरिंग को हटाने के लिए, उन सिपाही को अपने मुंह को यूज करना पड़ता था। दिस वॉज ए वॉयलेशन ऑफ देयर रिलीजियस सेंटिमेंट्स। यह उनके धार्मिक भावनाओं का उल्लंघन था, यह उनकी धार्मिक भावनाओं का अपमान था, हेंस दे रिवेल्ड, इस वजह से उन्होंने इसका विरोध किया। तो सिपाही के तीन कारण तो ये हैं, द कार्टेज पे काऊ और पिक की चर्बी लगी हुई थी, सिपाहियों को उसे हटाने के लिए अपने मुंह से उसे हटाना पड़ता था, और यह उनके धार्मिक भावनाओं का अपमान था, इस प्रकार उन्होंने विरोध किया। How did the last Mughal emperor live the last years of his life? How did the last Mughal emperor live the last years of life? किस प्रकार अंतिम मुगल emperor अपने जीवन के अंतिम समय में रहा? बहादुर शाह जफर was the last emperor of Mughal dynasty. बहादुर शाह जफर अंतिम शासक थे मुगल dynasty के। He played an important role in the revolt of 1857. उन्होंने प्ले किया, एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की 1857 की क्रांति के विरोध में, अगेंस्ट द ब्रिटिश इन सितंबर 1857, ब्रिटिश लोगों के खिलाफ सितंबर 1857 में द ब्रिटिश एस्टेब्लिश देयर कंट्रोल ओवर दिल्ली, और ब्रिटिश लोगों ने दिल्ली पर अपना नियंत्रण कर लिया। एंड बहादुर शाह वाज इम्प्रिजेंड, बहादुर शाह को कैद कर लिया गया। ही वाज सेंट टू रंगून along with his wife Begum, Jinat Mahal, और उन्हें रंगून भेज दिया गया उनकी पत्नी जीनत महल के साथ। In 1862, he died in Rangoon, और 1862 में वह रंगून में मर गए। What could be the reasons for the confidence of the British rulers about their position in India before May 1857? What could be the reasons for the confidence of British rulers about their position in India before May 1857? May 1857 से पहले क्या क्या कारण थे कि अंग्रेजों के इस प्रकार के कॉन्फिडेंस के लिए, कि अंग्रेज बड़े आश्वस्त थे अपनी स्थिति को लेकर के भारत में। नंबर वन, द मुगल रूलर्स आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब वर नॉट स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल। जो मुगल शासक थे औरंगजेब की मौत के बाद में ज्यादा स्ट्रांग और पावरफुल नहीं थे, हैंस इस प्रकार इट वाज इजियर फॉर देम, उनके लिए आसान था टू एनेक्स स्टेट, उस स्टेट पे कब्जा करना, उनके राज्यों को हड़पना। द डिसयूनिटी अमंग नवाब एंड द मुगल रूलर्स
helped the British have a firm stronghold in India society and starting from Bengal. The disunity, जो डिसयूनिटी थी, जो एकता की कमी थी अमंग नवाब के बीच में एंड मुगल रूलर शासकों के बीच में, इसने मदद की थी ब्रिटिश लोगों की हैव ए फर्म स्ट्रॉन्ग होल्ड, एक अच्छी पकड़ बनाने के लिए इन इंडियन सोसाइटी में एंड स्टार्टिंग फ्रॉम बंगाल, और बंगाल से उन्होंने इसकी शुरुआत की थी. दे फाउट अमंग देमसेल्फ एंड कुड नॉट फाइट अगेंस्ट द फॉरेन रूल यूनाइटेडली. वे हमेशा आपस में ही लड़ते रहे, वे एकजुट होकर के विदेशी शासक ने लड़े. ए सेक्शन ऑफ द पीपल अडॉप्टेड इनह्यूमन सोशल प्रैक्टिसेस. लोगों का जो एक सेक्शन था उन्होंने अमानवीय सोशल प्रैक्टिस की. दे डिड नॉट राइज इन रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, और वे ब्रिटिश लोगों के खिलाफ विद्रोह में खड़े नहीं हुए. How did the British succeed in succeeding the submission of the rival landowners of Awadh? How did the British, कैसे ब्रिटिश लोग succeed, सफल हुए थे in securing, प्राप्त करने में the submission of the rival landowners का, of Awadh के लोगों का. They were exempted from taxes. उन्हें taxes से छूट दे दी गई. They were rewarded. उन्हें पुरस्कार दिए गए. They provided inheritance rights to the landowners. उन्हें दिए गए उत्तराधिकार के अधिकार दिए गए लैंड ओनर्स को. दे वुड बी सेफ एंड देयर राइट्स एंड क्लेम्स वुड नॉट बी डिनाइड टू देम. और दे वुड बी सेफ, और वे पूरी तरीके से सेफ हैं, सुरक्षित हैं. एंड देयर राइट्स एंड क्लेम्स वुड नॉट बी डिनाइड, और उनके राइट्स को और उनके क्लेम्स पे कोई इतराज नहीं करेगा, मना नहीं करेगा. ये उन्होंने उनको दिए. हाउ डिड द ब्रिटिश सक्सीड इन सिक्योरिंग द सबमिशन ऑफ द रेवल टेन लैंड ओनर्स ऑफ अवध. किस प्रकार ब्रिटिश लोग सफल हुए दबाने में जो विद्रोही जमींदार थे अवध के. तो सबसे पहले उन्हें टैक्सों से छूट दे दी गई, उन्हें पुरस्कार दिए गए, उन्हें उनके उत्तराधिकारी के अधिकार दिए गए, और उन्हें सुरक्षित और बताया गया कि उनके अधिकार दावा है, उनको मना नहीं किया जाएगा, उनके अधिकारों को मान लिया जाएगा. लिस्ट एनी टू सोशल कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट. दो सामाजिक कारण बताइए विद्रोह के. द ब्रिटिश फॉलोड द पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. ब्रिटिश लोगों ने जातीय भेदभाव की नीति को अपनाया एंड लुक डाउन अपॉन द इंडियंस, और भारतीयों को नीचा दिखाया. इंडियंस वर नॉट अलाउड टू ट्रेवल इन फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट इन ट्रेन, और भारतीय लोगों को इजाजत नहीं थी यात्रा करने की इन फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट्स इन ट्रेन्स में. फर्स्ट क्लास के कंपार्टमेंट में यात्रा करने की उन्हें कोई इजाजत नहीं थी. हाउ वाज मंगल पांडे. मंगल पांडे कौन था. मंगल पांडे वाज एन इंडियन सोल्जर. मंगल पांडे एक भारतीय सिपाही था हु प्लेड ए की पार्ट इन द इवेंट्स. उसने इवेंट्स में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की. इमीडिएटली तुरंत प्रेसिडिंग द आउटब्रेक ऑफ इंडियन रेवेलियन ऑफ 1857, जो 1857 की जो क्रांति थी उसको शुरू करने के लिए मंगल पांडे को क्रेडिट जाता है. ही वॉज ए सिपाही इन द 24th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. वह सिपाही थे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में वो सिपाही थी. तो मंगल पांडे वॉज एन इंडियन सोल्जर हु प्लेड ए की पार्ट इन द इवेंट्स इमीडिएटली प्रेसिडिंग द आउटब्रेक ऑफ इंडियन रेवेलियन 1857. ही वॉज ए सिपाही इन द 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में वो एक सिपाही थे. उन्होंने ही मतलब इस 1857 की क्रांति की शुरुआत की थी. लिस्ट द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कॉजेस ऑफ द रिवोल्ट 1857. 1857 में आर्थिक और राजनीतिक विद्रोह के क्या कारण है. इकोनॉमिक कॉजेस, आर्थिक कारण. रिजम्पशन ऑफ टैक्स फ्री लैंड, टैक्स फ्री लैंड को अपनाना. कॉन्सिफिकेशन ऑफ जागीर, जागीरों को जब्त करना. हाई लैंड रेवेन्यू एंड स्ट्रिक्ट पॉलिसी ऑफ कलेक्शन. हाई लैंड रेवेन्यू और स्ट्रिक्ट सख्त जो पॉलिसी थी कलेक्शन की वो. ब्रिटिश गुड एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ड्यूटीज इन इंडिया, और ब्रिटिश लोगों की जो ड्यूटीज है उसको माफ कर दिया गया. एंड हैवी कस्टम ड्यूटी इम्पोज ऑन इंडियन गुड्स इन इंग्लैंड, और भारतीय सामानों पर बहुत भारी भरकम कस्टम ड्यूटी लगा दी गई. वाट वर द मेन रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ द रिवोल्ट. रिवोल्ट के असफल होने के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं. मेन रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ रिवोल्ट.
नंबर एक, द सिपाही लैक्ड ए कॉमन आइडियल बिफोर देम, सिपाहियों के पास एक सामान्य आदर्श की कमी थी। द ऑर्थोडॉक्स सेक्शन, जो रूढ़िवादी लोग थे अमोंग द हिंदूज एंड मुस्लिम्स के बीच में, वर कंसर्न ओनली विद देयर रेस्पेक्टिव रिलीजन्स, वे अपने संबंधित धर्म से ही संबंध रखते थे। नंबर थर्ड, द रेवेलियन लैक्ड एन इफेक्टिव लीडर, जो विद्रोहकारी थे उनमें एक प्रभावकारी लीडर की कमी थी। नंबर फोर, द रेवल्स लैक्ड रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ मैन मनी एंड इक्विपमेंट, जो विद्रोहकारी थे उनमें आदमी की, पैसे की और इक्विपमेंट, उनके औजारों की, हथियारों की कमी थी। वट वर द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द रिवोल्ट, रिवोल्ट के बाद, रिवोल्ट के इस क्रांति के प्रभाव क्या क्या हुए, क्या इसके बाद के परिणाम निकले। द रेवेलियन सा द एंड ऑफ द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एंड इट्स पावर्स वर ट्रांसफर टू द ब्रिटिश क्राउन, विद्रोहकारियों ने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया और इसकी शक्तियां ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश राजा को चली गई। ए न्यू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कॉल्ड एज द इंडिया ऑफिस वॉज क्रिएटेड टू हैंडल द गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया, और एक नए ऑफिस का निर्माण हुआ जिसको इंडिया ऑफिस के नाम से जाना गया। एंड इट्स हेड एट द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया वॉज एंट्रस्टेड विथ फॉर्मुलेटिंग द इंडियन पॉलिसी, एंड इट्स हेड, और जो इसका हेड था, इट्स हेड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता था फॉर इंडिया के लिए, वॉज एंट्रस्टेड, उसको सौंपा जाता था विद फॉर्मुलेटिंग द इंडियन पॉलिसी का निर्माण करना। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, टुक द टाइटल ऑफ द वायसराय ऑफ इंडिया के लेता है एंड ही वॉज एंट्रस्टेड विथ इम्प्लीमेंटिंग द पॉलिसीज, और उसको ये काम दिया जाता था नीतियों को लागू करने का, फॉर्मुलेटेड बाई द इंडिया ऑफिस, जो भी इंडिया ऑफिस के द्वारा बनाई जाती थी। नंबर फोर, क्वीन विक्टोरिया टुक द टाइटल ऑफ एम्प्रेस ऑफ इंडिया इन 1877, क्वीन विक्टोरिया ने टाइटल लिया, पदवी ली थी महारानी की भारत में, इम्प्रेस ऑफ इंडिया 1877, एंड शी एश्योर्ड द रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट, राजाओं को उसने आश्वस्त किया दैट द गवर्नमेंट वुड नॉट इंटरफियर इन देयर इंटरनल मैटर, कि सरकार उनके आंतरिक मामलों में कोई दखलंदाजी नहीं करेगी, एंड द सोशल एंड रिलीजियस बिलीफ्स, और उनके सामाजिक और धार्मिक जो मत हैं, ट्रेडिशन, परंपराएं, कॉमन पीपल, उनमें कोई दखलंदाजी नहीं होगी। Doctrine of lapse was withdrawn and titles of honor were granted to rulers in order to befriend them. Doctrine of lapse, जो गोद लेने का जो सिद्धांत था वो वापस ले लिया गया, और एंड टाइटल्स एंड honors were granted to rulers को दी गई इन ऑर्डर टू befriend them, उनके मतलब उसको अपना लिया गया वापस, doctrine of lapse was withdrawn, वापस कर लिया गया, and title and honors were granted to the rulers in order to befriend them, उन्हें मित्र बनाने के लिए उनको सम्मान दिया गया, उनको टाइटल दिए गए, पदवियां दी गई। नंबर सिक्स, द इंडियंस वर ड्रॉन इनटू ए गवर्नमेंट एट ए लोकल लेवल इन ए लिमिटेड मैनर, द इंडियंस जो भारतीय थे वर ड्रॉन इनटू ए गवर्नमेंट एट लोकल लेवल इन ए लिमिटेड मैनर, एक लिमिटेड मैनर में जो भारतीय हैं इनको ड्रॉन किया गया इनटू ए गवर्नमेंट में एट ए लोकल लेवल पर इन ए लिमिटेड मैनर, एक लिमिटेड मैनर के साथ। यूनिवर्सिटीज वर ओपन इन वेरियस इंडियन टाउन्स, और कई तरह की यूनिवर्सिटीज को खोला गया इन वेरियस इंडियन टाउन्स में। द ब्रिटिश इंक्रीज द रेशो ऑफ द ब्रिटिश टू इंडियन सोल्जर्स विद इन इंडिया, जो ब्रिटिश थे इंक्रीज किया द रेशो ऑफ ब्रिटिश को टू इंडियन सोल्जर्स के लिए विद इन इंडिया, भारत में। द ब्रिटिश नाउ फॉलोड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपनाया इन इंडिया, भारत में। द ब्रिटिश नाउ फॉलोड, इन्होंने अपनाया द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपनाया। ओके गाइस, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, धन्यवाद, बाय।